गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय क्लास। माय सेल्फ देशमुख मैडम, आई एम अ मैथ टीचर। यस्टरडे यू नो दैट हम लोगों ने क्या सीखा था, तो हेवी और लाइट, जो कि पहला कंसेप्ट था अपना टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोगों ने लिखा था हेवी और लाइट, जो चीज़ हेवी यानी वेट वाली रहती है, यानी कि उसको वजन में ज़्यादा रहती है उसे हेवी बोला जाता है। जो वजन से कम रहती है उसे एलआईजीएसटी लाइट बोला जाता है। उसमें हम लोगों ने एक सम सॉल्व किया था, ये दूसरा सम भी सॉल्व किया था। अभी और है, कलर द ऑब्जेक्ट एंड कंपेयर ईच पेयर सर्कल द वन विच हेवी। तो ये भी हम लोगों ने देखा था, ये हेवी वाले कौन से हैं, ये हेवी है, ये हेवी है, ये लाइट है, ये लाइट है। तो हेवी में कौन सा ज़्यादा हेवी है, 18 और 2 से 1 जो है ये लाइट है, तो ये 1 से 2 हेवी है ना। अभी टुडेज न्यू कॉन्सेप्ट इज लेसन नंबर 47 NEAR near and FAR far। near means pass, far means थोड़े डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि दूर। ओके, देखो अभी टेक द राइट टेक फॉर नियर नियर द हाउस एंड क्रॉस टेक थिंक दैट आर अ फार। ओके, देखो अभी लुक एट दिस पिक्चर। ये हाउस है, ये हाउस के पास जो जो चीजें आपको नजदीक दिखाई देती है उसे क्या करना है, पास रहने वाली चीजें को नियर है राइट की टिक, उसे क्या करना है राइट की टिक, उसे क्या करना है राइट की टिक। देखो ये हाउस है अपना, क्या है यहाँ पे, देखो लुक एट दिस हाउस। इस हाउस के पास में क्या है, पप्पी, तो इसे क्या करना है राइट की टिक, क्या लगानी है इसको राइट की टिक। और चीजें ढूंढनी है यहाँ पे, और क्या क्या चीजें बताई गई है, ये क्या है, ये दूर है यानी कि फार है, तो फार है तो क्रॉस लगाना है। और ये ट्री भी दूर है, इसके लिए भी उसे क्या लगाना है क्रॉस लगाना है ना। जो चीज हाउस के नियर है उसको राइट की टिक लगाइए, और जो चीज हाउस से फार है यानी कि दूर है उसको हमने क्रॉस लगाया। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, सो देखो अब हम लेंगे न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट में हमें पूछा जाता है LEFT लेफ्ट एंड RIGST राइट। ओके, बोलो LEFT लेफ्ट, क्या है ये LEFT लेफ्ट। लेफ्ट यानी क्या, कौन सा हाथ, दाहिना हाथ। और RIGST राइट यानी क्या, राइट यानी यस बाएं हाथ। हम क्या करते हैं, हम लोग को दो टू हाथ रहते हैं ना, एक रहता है लेफ्ट और दूसरा रहता है राइट। लुक एट दिस, देखो इस हाउस में, इसमें हमको बताया गया है LEFT लेफ्ट यानी क्या, ये वाला हाथ, अपना लेफ्ट हाथ। लेफ्ट हाथ यानी कौन सा हाथ, जिससे हम नहीं लिखते। हम खाना खाते हैं क्या लेफ्ट हाथ से, नहीं। अगर किसी ने गलती से भी उससे बैटिंग की तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्या लेफ्टी है क्या रे तू, है ना, लेफ्टी है क्या तू, नहीं। राइट हाथ से ही हमने खाना खाना चाहिए, हम सब काम RIGST राइट हाथों से करते हैं। देखो अभी टर्न लेते वक्त हम क्या बोलते हैं, इधर लेफ्ट टर्न लो, राइट टर्न लो। लेफ्ट टर्न मीन्स बाई तरफ और राइट टर्न मीन्स दाई तरफ। ओके, इसीलिए हमको कुछ और यहाँ पे दिए गए हैं सम्स। कलर द बॉक्स बिलो द
एनिमल्स टू द लेफ्ट ट्री। अभी आपको क्या पूछा है, ये ट्री के लेफ्ट में कौन है, ये कैट है या पपी है, कौन है? यस, कैट इज लेफ्ट साइड ऑफ ट्री। ओके, सर्कल द करेक्ट वर्ड इन द बॉक्स। इस बॉक्स में आपको सर्कल द करेक्ट वर्ड करने हैं। द स्कूल इज ऑन द लेफ्ट साइड। कौन से साइड में है स्कूल? रेड के द स्कूल इज ऑन द लेफ्ट। स्कूल कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है? लेफ्ट साइड मीन्स इधर वाली साइड और राइट साइड मीन्स इधर वाली साइड। द गार्डन इज ऑन द राइट साइड। कौन सी साइड है ये बताओ आप मुझे, ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, कौन बताएगा? ओके, वेरी गुड, ये हो गया राइट साइड। तो ये कौन सी साइड हो गई? वेरी गुड, द स्कूल इज ऑन लेफ्ट साइड। ये रोड है, ये क्या है? रोड। तो ये कौन सा, ये साइड कौन सी हो गई, ये टर्न कौन सा हो गया? लेफ्ट टर्न। और ये राइट, ये राइट की तरफ जाता है और ये लेफ्ट की तरफ जाता है। ये रास्ता लेफ्ट की ओर जाते हुए का क्या मिला यहाँ पे, स्कूल मिली। और ये राइट साइड में हमको क्या मिला, गार्डन मिला। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, वेरी गुड। ओके, अभी लेफ्ट साइड और राइट साइड लर्न हो गई आपकी, वेरी गुड। ओके, थैंक यू, कमिंग टू नेक्स्ट वीडियो।